खबर रोहतास जिले के बिक्रमगंज से है, जहां बिक्रमगंज शहर में मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे गाजे बाजे के साथ ताजिया जुलूस निकाला गया। आपको बताते चले कि ये जुलूस सासाराम रोड स्थित मस्जिद से निकलकर तेंदुनी चौक होते हुए सासाराम रोड स्थित TVS एजेंसी के पास पहुंचा। इस दरमियान जुलूस में मौजूद बुजुर्गों व नव युवकों के द्वारा सब्जी मंडी स्थित अखाड़ा और TVS एजेंसी स्थित अखाड़ा में इमाम हुसैन की याद में लाठी डंडा बन्ना बनैठी तलवार एवं भाला के साथ या हुसैन नारा लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया गया, जहां देखने वाले लोगों का काफी मात्रा में हुजूम जुट गया। इस संदर्भ में KGN नवयुग मुहर्रम कमेटी स्टेशन मस्जिद बिक्रमगंज के अध्यक्ष अनवर अली ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत कई वर्षों पूर्व यजीद के साथ हुए युद्ध में मोहम्मद इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे। उसी समय से इमाम हुसैन की याद में प्रतिवर्ष मुहर्रम पर्व में ताजिया जुलूस निकाला जाता है। ये मुहर्रम पर्व 10 दिनों का पर्व होता है, जिसमें पूरे विधि विधान के साथ 10 दिनों का उपवास रहकर ताजिया जुलूस निकाला जाता है। मौके पर KGN नवयुग मुहर्रम कमेटी स्टेशन मस्जिद बिक्रमगंज के अध्यक्ष अनवर अली, उपाध्यक्ष विजय कुमार यादव, कोषाध्यक्ष असगर खान, मैनुद्दीन, मंटू खान, समीर खान, असगर अंसारी, अमजद अंसारी के साथ ताजिया जुलूस में अन्य सैकड़ों लोग मौजूद थे। धर्मेंद्र कुमार सन की रिपोर्ट। हम लोग इमाम हुसैन के याद में इस पर्व को मनाते हैं, ताकि उनके आत्मा को शांति मिले, यही उद्देश्य। इस पर्व को आप लोग कैसे मनाते हैं? उनके जनाजे को हम लोग माने के घुमाते हैं और ले जाके पहला हम लोग। ये जो ताजिया निकाला गया इमाम हुसैन का जनाजा है जी। अच्छा, और क्या है इसमें? और क्या है, उनकी पगड़ी है, उनकी पगड़ी को हम लोग दफनाते हैं। जुलूस आपकी कहाँ से निकल कर कहाँ गया है? मेरे इमाम हुसैन के चौक से निकल के मेन फौजी सिंह की मकान तक जाती है, चौक होते हुए फौजी सिंह के मकान, और फौजी सिंह के मकान होते हुए आके सब्जी मंडी आती है। सब्जी मंडी से मेरे फिर इमाम हुसैन के चौक पे, और चौक से मीर हुसैन के घर तक जाके हम लोग फील्ड में राजू गांधी मैदान में प्रणाम कर देते। ये जो जुलूस निकला हुआ है, इस जुलूस में बूढ़े से लेकर के बच्चे लोग लाठी डंडा लेकर के शिरकत कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? इसका उनके गम में, उनके गम में ये लोग मनाते हैं। ये हम लोग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के याद में, उनके गम में हम लोगों ने ताजिया बनाते हैं, और उनके शहीद होने की याद में हम लोग मातम करते हैं, और उनके याद में हम लोग फातिहा देते हैं, और अखाड़ा में हम लोग खेलते भी हैं। ये ताजिया निकलने का परंपरा कब से शुरुआत हुआ है? ताजिया बनने हिंदुस्तान के अंदर बनने संत याद नहीं मेरे को, लेकिन लखनऊ के नवाब जो थे उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला कदम उठाए थे, और उन्होंने ताजिया हिंदुस्तान में शुरू किए थे। धीरे धीरे इस सिलसिले में बढ़ता गया। इस ताजिए में क्या होता है? इस ताजिए में एक करबला का हम कैसे आप लोग मनाते हैं इस मुहर्रम पर्व को? ताजिया को हम लोग एक करबला का सीन बनाते हैं, करबला का मुकाबला बनाते हैं, उसके अंदर हम लोगों ने इमाम हुसैन का तहरी रखते हैं, उसको चेहरा लगाते हैं, उसके हम लोग ताजिया तैयार करते हैं, और त्योहारों के अंदर हम लोगों मलिजा बनाते हैं। जैसे कि जंग में जब गए थे लोग शादत हुई थी, वहाँ लोग मलिजा ले गए थे खाने के लिए, उनकी याद खिचड़ा बना था, वहाँ लोगों को पता किया था, उन्हीं के याद में हम लोग खिचड़ा बनाते हैं, मलिजा बनाते हैं, और उनको हम लोग न्याज फातिया देते हैं, और वही हम लोग खाते हैं, लोगों को भी बांटते हैं, लोगों को भी खिलाते हैं हम लोग।